अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। इन दिनों यूपी के चुनाव के अखिलेश यादव के रथ के सारथी बने ओपी राजभर ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना सांड से कर डाली है। वाराणसी के अजगरा विधानसभा क्षेत्र में अपना दल के साथ अधिकार सम्मेलन में ओपी राजभर ने मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने यहां तक कह दिया कि यदि चुनाव के दौरान कोई गुजराती पैसा बांटने आए तो उसे लूट लो। तो वहीं ओपी राजभर ने दावा किया कि जल्द ही वाराणसी में अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी मंच साझा करेंगी। वाराणसी के अजगरा विधानसभा में आज ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल ने अधिकार सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं मंच से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह को खूब खरी खोटी सुनाई और मंच से संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की सड़क पर दो सांड घूम रहे हैं, जिसमें छोटे वाले सांड को गोरखपुर तो बड़के सांड को गुजरात चुनाव के बाद भेजने का कार्य किया जाएगा। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि जो बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अगर वोट मांगने आए तो उन्हें लाठी लेकर दौड़ा लीजिएगा। चुनाव के दौरान जो गुजरात के लोग पैसा बांटने के लिए आए तो उनका पैसा छीन लीजिएगा, तब जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। छीने हुए पैसे में से कुछ पैसे अपने पास रखिएगा और कुछ पुलिस को वापस कर दीजिएगा। तो वहीं बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आचार संहिता लगते ही बीजेपी नेताओं के पीछे भूत और पिशाच लग जाएंगे। और साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि वो जल्द ही वाराणसी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को एक हेलीकॉप्टर में लाएंगे और मंच साझा करवाएंगे। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग और देश की सरकार की है, प्रदेश की सरकार की है। इनको सर्वदलीय बैठक बुला करके डिसीजन लेना चाहिए कि चुनाव हो ना हो, ये तो उनका काम है। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे नहीं। यूपी में जब अभी तो 400 ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं ना, 400, जहां 4 लाख लोग थे तब तो पंचायत चुनाव करा लिया गया। पीक पे था बंगाल का चुनाव हुआ, पीक पे था बिहार में कोरोना, बंगाल में पीक पे कोरोना था, चुनाव करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा हार मान चुकी है, इस नाते ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन चिल्ला रही है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से पहल करनी चाहिए, आपको सभाओं पे रोक लगानी चाहिए? जब राजा करेगा ना तो प्रजा भी करेगी। राजा तो चाँप रहा है, बस लगा के, ट्रक लगा के, टेम्पू लगा के, हम लोग सही के लिए से चाप रहे हैं, का दिक्कत है? हम भेज के नहीं आए, अब तो चूंकि लेट हो गए ना, नहीं आपके सामने हाथ उठवाते ही कि मोदी और योगी की रैली में अमित शाह की पैसा दे के भीड़ बुलाई जा रही है, सरकारी गाड़ी दी जा रही है और उनको खाने के लिए पूरी तरकारी दी जा रही है। यहाँ लोग चले गए, देखिए कहीं एक ठोंगा मिला है आपको? एक को यहाँ ठोंगा मिला हो तो बता दीजिए हमको। उनका दावा सही, वो दावा कर रहे हैं कि पिछली बार 2017 में जनता को हमने विश्वास दिलाया कि तुम हमारे साथ आओ, महंगाई कम करेंगे। 60 रुपया से पेट्रोल ले गए 100 पार, डीजल ले गए 95 से 97, उसके बाद आपको ले गए जो है कड़ुआ तेल 50 से ले गए जो है 200 पार। अब जानते हैं क्या करेंगे? ये चिल्ला रहे हैं जन विश्वास यात्रा, आए जनता हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, जो 17 में किया हूँ वही करूँगा, 3000 में गैस सिलेंडर दूंगा, 300 में हम आपको पेट्रोल दूंगा, 300 में सरसों का तेल, 300 में हम आपको जो है डीजल देंगे। हमको विश्वास के साथ कराऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 300 रुपया में डीजल पाओ। 70,234 पद दिन राजभर जी पहुंच गए, एक का हेलीकॉप्टर में बैठा के लेके यही दक्षिणी में उतारेंगे, अरे 8 सीट जीत करके उलाट देंगे यहीं योगी को। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए, ऐसे में क्या रैलियां होना जरूरी है? ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग और देश की सरकार की है, प्रदेश की सरकार की है। इनको सर्वदलीय बैठक बुला करके डिसीजन लेना चाहिए कि चुनाव हो ना हो, ये तो उनका काम है। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे नहीं। यूपी में जब अभी तो 400 ओमिक्रॉन के मरीज मिल रहे हैं ना, 400, जहां 4 लाख लोग थे
तब तो पंचायत चुनाव करा लिया गया, पीक पे था बंगाल का चुनाव हुआ, पीक पे था बिहार में कोरोना, बंगाल में पीक पे कोरोना था, चुनाव करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा हार मान चुकी है, इस नाते ओमिक्रॉन चिल्ला रही है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से पहल करनी चाहिए, आपको अपनी सभाओं पे रोक लगानी चाहिए? जब राजा करेगा ना तो प्रजा भी करेगी। राजा तो चांप रहा है, बस लगा के, ट्रक लगा के, टेम्पू लगा के, तो हम लोग सही के लिए से चाप रहे हैं, का दिक्कत है? मतलब हम भेज के नहीं, अब तो चूंकि लेट हो गए ना, नहीं आपके सामने हाथ उठवाते हैं कि मोदी और योगी की रैली में अमित शाह की पैसा दे के भीड़ बुलाई जा रही है, सरकारी गाड़ी दी जा रही है और उनको खाने के लिए पूरी तरकारी दी जा रही है, यहाँ लोग चले गए, देखिए कहीं एक ठोंगा मिला आपको? एक को यहाँ ठोंगा मिला हो तो बता दीजिए हमको। उनका दावा सही, वो दावा कर रहे हैं कि पिछली बार 2017 में जनता को हमने विश्वास दिलाया कि तुम हमारे साथ आओ, महंगाई कम करेंगे। 60 रुपया से पेट्रोल ले गए 100 पार, डीजल ले गए 95 से 97, उसके बाद आपको ले गए जो है कड़ुआ तेल 50 से ले गए जो है 200 पार। अब जानते हैं क्या करेंगे? ये चिल्ला रहे हैं जन विश्वास यात्रा, आए जनता हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, जो 17 में किया हूँ वही करूँगा, 3000 में गैस सिलेंडर दूंगा, 300 में हम आपको पेट्रोल दूंगा, 300 में सरसों का तेल, 300 में हम आपको जो है डीजल देंगे। हमको विश्वास के साथ कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 300 रुपया में डीजल पाओ। आपने मंच से लाल साड़ जलकारा नाम दिए बिना एक को गोरखपुर और एक को किसानों के खेत में डांड़ पे चले जाइए। आज के तारीख में योगी जी और मोदी जी के जो ललका साड़ पैदा किया है, इस साड़ किसानों का अरकल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, भंटा ये चर जा रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं, तो किसान परेशान है, सड़क पे आम आदमी परेशान है, योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से लड़ करके वो ट्रामा सेंटर जा रहा है, तो वो इसे निजात चाह रहा है, तो निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने मोर्चा बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर इनका साण इनके घर हम पहुंचाने की तैयारी में है। दो दो साणों की आपने बात की है, तो कौन कौन से वो साण? बड़का और छोटका नहीं दिखते हैं, कौन है? सड़किया पर नहीं घूमते हैं, एक छोटका जो साण है वो गोरखपुर जाएगा, बड़का गुजरात। अध्यक्ष जी, अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आदि आबादी की बात कर रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है, 40% आरक्षण की बात कर रही है, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव पे उनका यह वादा? जिस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया हो और वो सरकार अगर कोई बात कहे तो वो हंसी का पात्र समझा जाता है। इसी प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, देश में कांग्रेस की सरकार रही, इन्हीं के नाकामी के वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो प्रियंका वाड्रा जी मेहनत कर रही हैं, कोई शक नहीं, लेकिन धरातल पे इनका संगठन नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जनता इनको नोटिस में नहीं ले रही है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी से जनता निजात चाहती है। विकल्प में अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, ये कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद्र, अनिल चौहान, संजय चौहान, केशवदेव मौर्य जैसे हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, जयंत चौधरी जी, इस एक विकल्प जनता को दिखाई दे रहा है, जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने